मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या खुशी के साथ है इस जहां को देखने के वक्त में मन में आनंद है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये सब जो है जैतून पहाड़ कहते हैं। इस जैतून पहाड़ के ठीक सामने आप देख रहे हैं ना टेंपल माउंट, जहां मंदिर था वो जगह है। यरूशलेम की बड़े दीवार भी वहीं पर पाया जाता है। यरूशलेम शहर के बाहर ये जैतून पहाड़ है। इस जैतून पहाड़ के नीचे गेतसेमने की बगीचा वहां पर था। यीशु मसीह यहीं पर आके दुआएं करते थे। इसके वर्णन को बाइबल में देख सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए यीशु के समय में ये स्थान कैसे रहा होगा। बहुत ही सुनसान रहा होगा। कारण यही है उन दिनों में शहर के अंदर लोग रहते थे, शहर का बाहर कोई भी वहां नहीं रहने के चलते ये सुनसान जगह था। बहुत बार यीशु मसीह गेतसेमने बगीचे में ठहर के पूरे रात उन्होंने दुआ की। वचन में लिखा यीशु अपनी रीति के अनुसार वहां दुआएं करते थे। आज यहां पर यातायात की इतनी सुविधाएं हैं, कारण यही है लाखों की संख्या में यहां टूरिस्ट लोग आते रहते हैं। यहां की खासियत पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह जब रहते थे उस वक्त का जैतून का पेड़ आज भी है। ये जैतून पहाड़ का पेड़ का खासियत है। ठीक है, आज परमेश्वर की वचन क्या है उस पर ध्यान देंगे। वचन 103 अध्याय का 5वें वचन, उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहता हूं, मेरा बेटा मेरी बेटी, परमेश्वर उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है। एक भरपूर आशीष को प्रभु देते हैं। यदि आपका जीवन में प्रभु आशीष दिए, क्या उसमें आपका संतुष्टि है? कुछ न कुछ क्षेत्र में कुछ कमियां है ना, लेकिन परमेश्वर वादा करता आज आपके जीवन में भरपूर आशीष देने वाला है। एक बार सेवा के कारण से क्वैत देश में गया। रात की सभा होने के बाद मुझे किसी के घर में खाने के लिए ले गए। जब मैं गया था वहां मेज पर देखे थे नाना प्रकार का खाना मेरे सामने था। इडली डोसा पूड़ी ये सारी बातें थी। रोटी था, परोठा था और चिकन की, मटन की और सांबार, सारी बातें वहां थी। जरा से कल्पना करके देखे, नाना प्रकार के खाना वहां भरी हुई थी। मैंने उनसे कहा, मैं रात में सिर्फ दो इडली खाता हूँ या एक चपाती खाते हैं, आपने इतना खाना क्यों बनाए हैं? उन्होंने मुझसे कहा, सारे खाना को खाने के लिए मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन आपका मन संतुष्टि होना है। यदि मैं कुछ बना कर रखूं पसंद नहीं तो आपको संतुष्टि नहीं है, इसलिए आपको जिस चीज को पसंद करते हैं उसमें आप भरपेट खाइए। हमारा मकसद यही है, हमारा घर में आप अच्छा से खाना है, इसलिए सारे खाना को हमने तैयारी की है। उन्होंने कहा, आपका क्या खाना पसंद है हमें पता नहीं, इसलिए सब कुछ बना कर रखे हैं। यदि साधारण मनुष्य हो के एक सेवक को संतुष्टि में आनंद देने के लिए इतना खाना का यदि बना कर रखेंगे तो परमेश्वर आकाश पृथ्वी का सृजनहार है, जिसने क्रूस पर अपना प्राण आपके लिए दी है, आपको पर इतना वो प्रेम करते हैं, आपको वो भरपूर आशीष देना चाहते हैं ना, इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें सारी बातों में आशीष दूंगा। आप बाइबल में मत्ती 14 अध्याय में देखिएगा, यीशु जब प्रचार कर रहे थे भीड़ के भीड़ इकट्ठे हुए, वहां सिर्फ पुरुष लोग 5,000 है, स्त्री और बच्चों को सब मिला के लगभग 20,000 हो सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, ये सारे इतने भूखे हैं, उन सबको हमें खाना देना होगा। प्रभु ने उनसे पूछा, तुम्हारा हाथ में क्या? 5 रोटी और 2 मछली, मेरे पास उसको लाओ। प्रभु ने उसे आशीष दिया, उनसे ये नहीं कहा उनको थोड़ा थोड़ा दे देना, बाकी सब घर जाके खा लेंगे। वचन में ये हम पढ़ते हैं, उन्होंने पूरा भरपेट खाया है, यानी पूरा संतुष्टि हो गया। इसके बाद उनके पेट में जगह नहीं, उतना तक खाए वो। पूरा पूरा लोग खाने के बाद बाकी टुकड़े भी वहां बटोरने लगे। आपका जीवन में भी एक भरपूर आशीष है। कुछ न कुछ जीवन में कमी है ना, लेकिन परमेश्वर कहता मेरा बेटी बेटा भरपूर आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता तुम बस करो, हे प्रभु मेरे लिए इतना पर्याप्त है, ऐसे कहने के लायक आशीष को देंगे। वो संपूर्ण रीति से देता है। वचन में हम पढ़ते हैं, जिस किसी की बुद्धि की
ज्ञान की कमी परमेश्वर से मांगे ताकि वो भरपूर से देने वाले हैं। अगर परमेश्वर देते हैं आपके जीवन में भरपूर रीति से, परमेश्वर देते हैं बुद्धि की या ज्ञान की, क्या कमी है? कर्जा से मुक्ति चाहिए या बच्चों के जीवन में आशीष चाहिए, सेवा में आशीष चाहिए? भरपूर रीति से प्रभु आपको आशीष देंगे। विश्वास रखे और दिल पर आत रखे, हे प्रभु तू मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरे जीवन में भरपूर आशीष देता है। स्तुति करते वो मंडने के लायक भरपूर रीति से भरपूर आशीष को देता है। स्तुति वो यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन।